अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़े ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मेंढक देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। ये भी जानेंगे कि मेंढक का अंडा देखने, मेंढक की आवाज़ सुनने या मेंढक को मारने की क्या तबीरात है। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरे देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की तबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में मेंढक देखना देखने वाले के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। काला मेंढक देखना बदनसीबी की तरफ इशारा करता है, जबकि सब्ज मेंढक को देखना खुशकिस्मती की तरफ इशारा है। नेज मेंढक की आवाज सुनना इस बात की तरफ इशारा करता है कि देखने वाला उस परेशानी से बच जाएगा जिसका सामना उसे हो सकता है, और मेंढक की आवाज उसके लिए खुशखबरी है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह के मुताबिक मेंढक के ख्वाब की ताबीर, ख्वाब में मेंढक को खाते हुए देखना रिश्तेदारों के लिए मुनाफा की तरफ इशारा करता है। मुर्दा मेंढक को देखना एक बड़ी गलती की तरफ इशारा करता है। आपके हाथों में सफेद मेंढक देखना अच्छी किस्मत की निशानी है। ख्वाब में मेंढक की आवाज सुनना अच्छी शोहरत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में काला मेंढक देखना नाकामी की अलामत है। ख्वाब में सब्ज मेंढक को देखना अकलमंद इंसान की तरफ इशारा है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में मेंढक देखने की ताबीर, अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि वो मेंढक को मार रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी अज़्दवाजी जिंदगी में बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेगी, और उसके ख्वाब का ये भी मतलब है कि वो एक ऐसी औरत है जो अपनी हिफाजत की ताकत रखती है और अपने खानदान के मुनासिब देखभाल करने के काबिल भी है। दूसरी तरफ अगर वो ख्वाब में मुर्दा मेंढक देखे तो इसका मतलब है कि उसके किसी बच्चे को बीमारी होगी। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि अचानक उसके घर में मेंढक नमूदार होता है तो इससे जाहिर होता है कि कोई उससे हसद करता है और उसे अपने घर और बच्चों को नजरे बद से बचाना चाहिए। दूसरी जानब अगर वो देखे कि वो अपने घर के लिए मेंढक खरीद रही है तो इससे जाहिर होता है कि उसके यहाँ एक नया बच्चा होगा और उस बच्चे की आमद के साथ ही उसके घर और अहल वयाल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में मेंढक से डरती है तो इसका मतलब है कि वो जिंदगी में जिन मसाइल का सामना कर रही है उनका सामना करने से डरती है और ये परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक तलाक याफ्ता औरत के लिए ख्वाब में मेंढक को देखने का मतलब है कि वो अपने और अपने साबिक शोहर के दरमियान मसाइल से छुटकारा पा लेगी। सिंगल खवातीन के लिए मेंढक के ख्वाब की ताबीर, अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि वो मेंढक खरीदती है और उसे खरीदते वक्त खुशी महसूस करती है तो इसका मतलब है कि उसकी जल्द शादी होगी और उसका शोहर एक अच्छा आदमी होगा। लेकिन अगर वो ख्वाब में देखती है कि वो मेंढक को मारती है या उससे छुटकारा पाती है तो इसका मतलब है कि उसे जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा लेकिन वो उन पर जल्द ही काबू पा लेगी। और अगर वो ख्वाब में जमीन पर मुर्दा मेंढक देखे और उसे देखकर खौफ महसूस करे तो इसका मतलब है कि उसके घर में बहुत सी परेशानियां हैं और ये परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि वो मेंढक के साथ खेल रही है तो इससे जाहिर होता है कि उसके बहुत से अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसे चाहिए कि वो उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करे। कुंवारी लड़की के लिए काले मेंढक को देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि अगर कोई लड़की ख्वाब में सब्ज मेंढक को देखे तो इससे जाहिर होता है कि उसे जल्द ही शोहर मिलेगा और वह एक नेक दिल आदमी होगा जो उसे खुश रखेगा। ख्वाब की ताबीर, एक मेंढक मेरा पीछा कर रहा है, किसी लड़की का पीछा करने वाला मेंढक उसकी जिंदगी में किसी मशहूर शख्स की मौजूदगी की निशानदेही करता है। और कुछ ख्वाबों की ताबीर करने वालों का ख्याल है कि मेंढक का पीछा करना देखने वाली की जिंदगी में किसी बुरे दोस्त की मौजूदगी की निशानदेही करता है। इसके अलावा मेंढक को देखने वाले का पीछा करते हुए देखना एक चालाक दुश्मन की मौजूदगी की निशानदेही करता है जो देखने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर अगर मेंढक का रंग काला हो तो। ख्वाब में मेंढक को मारना, जहां तक ख्वाब में मेंढक को मारने का ताल्लुक है, अगर देखने वाला यह देखे कि वो मेंढक को मारता है तो ये ख्वाब दुश्मनों, मुखालिफिन और उससे हसद करने वालों से छुटकारा पाने की नुमाइंदगी करता है। ये ख्वाब ये भी जाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाले को उन लोगों के साथ कोई मसला है। ख्वाब में मेंढक का अंडा देखना, जो औरत ख्वाब में मेंढक का अंडा देखती है वो अगले चंद महीनों में हामला हो सकती है, और गैर शादीशुदा लड़की का ख्वाब में मेंढक का अंडा देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस लड़की की शादी ऐसे अच्छे आदमी से होगी जिसमें बहुत सी खूबियां होंगी। ख्वाब में मेंढक का अंडा इशारा करता है कि ख्वाब का मालिक उन ख्वाहिशात को पूरा करेगा जिनका वो ताकुक करता है। ख्वाब में मेंढक के घर में दाखिल होने की ताबीर, मेंढक का घर में दाखिला इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुस्तकबिल करीब में उस घर के मालिकान के पास काफी रिस्क और पैसे होंगे, और मेंढक का घर में दाखिला बहुत सी खुशखबरी आने की अलामत भी हो सकता है। जो शख्स ख्वाब में देखता है कि मेंढक उसके घर में दाखिल होता है तो ये उस घर के मालिकान की मुआशी खुशहाली की निशानदेही करता है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।